नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्यव्रता हूँ, एमबीडीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों को इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में बोलना चाहता हूँ। इट्राकोनाजोल क्या है? इट्राकोनाजोल एक एंटीफंगल मेडिकेशन है जो कि फंगस में यूज किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन में, जो ट्रायजोल ग्रुप में होता है एंटीफंगल मेडिकेशन का। इसका मैकेनिज्म ऑप्शन क्या है? ये क्या करता है? एक एंजाइम होता है फंगल मेम्ब्रेन में, साइटोकोन P450 डिपेंडेंट एंजाइम, वो होता है लानोस्टेरोन 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इसको इनहिबिट, इसको बंद कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, लानोस्टेरोन को एल्गोस्टेरोल सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके वजह से फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस बंद हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो अवेलेबल कैसा है? इट्राकोनाजोल कैप्सूल 100 मिलीग्राम का अवेलेबल है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 मिलीग्राम का अवेलेबल है। डोज क्या है? डोज है टैबलेट इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम दिन में दो बार खाने से पहले, और इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम दिन में दो बार खाने से पहले, ऐसे करके गाइडलाइन के हिसाब से डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन का डिफरेंट गाइडलाइन के हिसाब से दे सकते हैं, जितना डिलेशन हो सकता है। फार्माकोलॉजी पैरामीटर क्या है? अप्लाई पे 34 to 48 होगा, तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इसका 2 से 5 आवर में हो जाता है, रीच करता है। ये एक CYP3A4 सब्सट्रेट है। ओरल बायोएविलिटी इसका है 55%। मेटाबोलाइज होता है साइटोकाइन P450 सिस्टम। एक्सक्रीशन होता है इसका यूरिन में 35%, फिशेस में 3 to 18%। इसका इंडिकेशन कहाँ पे यूज करेंगे? ओरोफेरिंजियल और इसोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, जो ओरल थ्रॉस में यूज कर सकते हैं, और ऑनिकोमाइकोसिस, स्नेल इन्फेक्शन, एस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस जिसको ब्यूकेस डिजीज कहते हैं, टीनिया इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाजमोसिस जिसको डार्लिंग डिजीज कहते हैं, ये सब में हम यूज करते हैं। टीनिया का प्रोस्टूरिस ये सब में यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कहाँ पर नहीं यूज करेंगे? हेपेटिक इम्पेरिस पेशेंट का लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, हार्ट खराब हो, इसका जो प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना है, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनमें नहीं देना है। तो एडवर्स ड्रग क्या है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मतलब लूज स्टूल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बंद हो सकता है, गैस समस्या हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, स्टोमक पेन, पेट में पत्थर हो सकते हैं, देन टेस्ट खराब टेस्ट लग सकता है, माथा बथा, हेडेक होता है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग झाल घाम निकलता है। तो ये जो टेबलेट है उसको PPI के साथ नहीं देना है, क्योंकि PPI इसका बायोएविलिटी और Cmax को इट्राकोनाजोल को कम कर देता है, तो इट्राकोनाजोल का इफेक्ट कम हो जाता है, तो ये फंगल के इन्फेक्शन के ऊपर काम नहीं करता है अगर हम PPI के साथ देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इट्राकोनाजोल गैस्ट्रिक pH में, लो pH में काम करता है। अगर ये PPI देंगे तो pH बढ़ जाएगा, जिसके वजह से इट्राकोनाजोल का बायोएविलिटी कम हो जाएगा, Cmax कम हो जाएगा और इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो ये दवाई जो है इसको हम गाइडलाइन के हिसाब से केयरफुली हम लोगों को देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।